हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पत्र के बारे में बात करेंगे। आज की वर्कशीट है पत्र से रिलेटेड। तो हमारे पत्र जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पत्र का प्रारूप क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। तो हमारा पत्र का प्रारूप इस तरह है कि हमें सबसे पहले सेवा में लिखना होता है कि हम किसके लिए पत्र लिख रहे हैं। फिर हमें श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया इस तरह से लिखना है, भारती पब्लिक स्कूल, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली। यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, हम जिसके लिए लिख रहे हैं सेवा में, यानी जिसके प्रति हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हमें इसी लाइन में यहाँ पर विषय लिख करके हमारा विषय बताना होता है कि हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो हमें ये विषय बताना पड़ेगा, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम आदरणीय महोदया इस तरह से लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं A की छात्र या छात्रा हूँ। मुझे कल रात से तेज ज्वर है, ज्वर यानी बुखार, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक महोदय ने मुझे 3 दिन विश्राम करने का आग्रह किया है, अतः मुझे 23 जून 2012 से 25 जून 2012 तक का अवकाश प्रदान करें। यहाँ पर आप अपनी तिथि अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आपकी डेट है उसके अनुसार चेंज कर सकते हो, अनुग्रहित करें। फिर हमें ये लिखना होता है, सधन्यवाद भव दिया। ये हमारा पत्र का प्रारूप है, यानी कि सभी पत्रों में यहाँ पर औपचारिक पत्रों में, औपचारिक पत्र होते हैं ऑफिशियल लेटर्स जो हैं, उसमें अगर हम लिखेंगे तो ये वाला हमारा प्रारूप रहेगा, पैटर्न रहेगा। फिर हमें यहाँ तारीख लिखनी होती है। और जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं वो किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी तारीख लिखी गई है और पता लिखा गया है, प्रिय रोहन सुभाशीष, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, और चरण स्पर्श, प्रिय मित्र दानिश सप्रेम नमस्कार। जिसके लिए भी हम लिख रहे हैं उसको इस तरह से संबोधित करेंगे, सबसे पहले तीनों में से एक कोई भी लिखना है। उसके बाद हमारा जो बीच का मैटर शुरू होता है, यहाँ से देखो, कल ही पिताजी का पत्र मिला और साथ ही तुम्हारा परीक्षा परिणाम भी। आश्चर्य के साथ साथ दुख भी हुआ कि कल का होनहार विद्यार्थी आज कुसंगति के कारण पतन का शिकार हो रहा है। रोहन, तुम हमारे घर का चिराग हो, माँ बाप की आस हो, क्षणिक सुख के लिए अथवा आनंद के लिए तुम अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हो। मित्रों का चुनाव करते समय अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरा छोटा भाई मेरे परामर्श को ध्यान में रखते हुए गलत मित्रों का साथ छोड़ देगा और जीवन की पराकाष्ठाओं का यानी चरम सीमा का स्पर्श करेगा। माता पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना मत भूलना और अपना ध्यान रखना। ये प्रारूप है हमारा, किस तरह के जो लेटर हैं वो यहाँ पर देखो आप, ये हमने देखा था अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं, इसका ये नमूना है, प्रारूप यानी नमूना है। इसे देख करके आप दूसरा कोई भी पत्र लिख सकते हो, यहाँ एड्रेस, यहाँ तिथि और यहाँ जिसके लिए लिख रहे हो वो, और ये देखो आप। फिर हमें यहाँ पर लिखना होता है शुभाकांक्षी, यानी शुभाकांक्षी यानी आपका शुभ इच्छु, कई बार शुभेच्छु भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं हम ये, और तुम्हारा भाई जो भी नाम है वो क्या कह गया, हम इस तरह से लिखते हैं। तो हमारा ये पत्र का प्रारूप हुआ अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम माता पिता भाई बहन दोस्तों को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र हम कंपनीज में कोई व्यापार के लिए वो लिखते हैं, या किसी कार्यालय में जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। इसी तरह की वर्कशीट्स देखने के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।